पर देखिए यहाँ पर आ गए हैं और जा रहे हैं प्रभु के दरबार में, हनुमान जी के दरबार में जा रहे हैं, पूजा अर्चना करेंगे और दर्शन करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। और देखिए इस वक्त वो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। देखिए यहाँ पर प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त और उनके बहुत ही प्यारे बजरंग बली का ये मंदिर है और वहाँ पर देखिए जितिन प्रसाद इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद वो जाएंगे क्षेत्र में। हालांकि यहाँ घर नहीं है लेकिन फिर भी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं और इसलिए देखिए फूलों से पूजा अर्चना जो है, देखिए यहाँ पर माला पहना रहे हैं हनुमान जी को और यहीं से पूजा अर्चना करने के बाद बाकायदा वो निकलेंगे और दिन की शुरुआत करेंगे। इसके पहले मीडिया से मुखातिब जरूर हुए थे लेकिन देखिए यहाँ पर नारियल रखा हुआ है, यहाँ पर पंडित जी उनके साथ पूजा अर्चना करवाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर रहे हैं विधि विधान के साथ। ये जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर जितिन प्रसाद देखिए पूजा कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, हनुमान जी को तिलक कर रहे हैं और तिलक करने के बाद यहाँ से निकलेंगे, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करेंगे। चूँकि वो प्रचार कर चुके हैं, लोगों से वन टू वन मिल चुके हैं लेकिन आज बूथों पर जा कर के आखिरी जो एक मौका होता है किसी प्रत्याशी के पास कि लोगों से नज़रें मिलाए, लोगों से इशारों में बात करें, आप तो ऐसे वोटिंग की अपील नहीं कर सकते। चूंकि चुनाव प्रचार बंद हो गए हैं और आज तो फैसले का दिन है, ईवीएम में कैद हो जाएगा लोगों का जो मत है, हाँ। लेकिन फिर भी आप नज़रों से बॉडी लैंग्वेज से लोगों तक संपर्क करें। लेकिन इस वक्त आरती कर रहे हैं जितिन प्रसाद, आरती कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में पीलीभीत में और आशीर्वाद की ज़रूरत भी है यहाँ पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, पहले से ही मंत्री हैं वो और इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो हो सकता है कि अगली बार केंद्र में भी उनको मौका मिले क्योंकि ब्राह्मण चेहरे बड़े चेहरे हैं। हम भी जानते हैं कि यहाँ का मुकाबला बहुत आसान नहीं होने वाला है, त्रिकोणीय मुकाबला है, चाहे जितिन प्रसाद हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या भगवत शरण गंगवार। ये गंगवार वही हैं जो 5 बार से विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और वो भी बरेली से, बाहरी जरूर कहा जा सकता है लेकिन उधर बीएसपी की तरफ से अनीस अहमद खां हैं। बीएसपी ने 3 बार विधायक रहे अनीस अहमद को इस बार मैदान में उतारा है और इसीलिए बहुत खड़ा ये त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता है। भले ही 2004 और 9 में कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं जितिन प्रसाद लेकिन इस वक्त भगवान के दर पर ताकि वोटर्स इनको आशीर्वाद दे सके। अरुण हमारे साथ लगातार बने। अरुण, इस बार गांधी परिवार से ना माँ है ना बेटा है, वो दोनों चेहरे नहीं हैं। जितिन प्रसाद, जैसा कि आप बता रहे थे, भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, हनुमान की पूजा कर रहे हैं लेकिन राह उतनी आसान है नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला है वहां पर। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है जरूर लेकिन जो जितिन प्रसाद हैं उनको भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है, उनके काम पर है और इसलिए वो लगातार कह रहे हैं कि चुनाव सिर्फ वो नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेनका गांधी और वरुण गांधी भले ना प्रचार करने आए हों लेकिन जो काडर है भारतीय जनता पार्टी का, जितिन प्रसाद का मानना है कि उनके साथ हैं इसलिए जीत को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बार जो यहाँ से वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया, जरूर एक बार उनको टिकट दिया गया था, फिर उनका टिकट काटा गया, फिर उनको टिकट दिया गया, इस बार फिर टिकट काटा गया लेकिन ये देखिए जितिन प्रसाद आ चुके हैं और अब वो यहाँ से निकलेंगे। जी अब यहाँ से निकलेंगे और हो सकता है कि वो मीडिया से मुखातिब हों तो मैं बात करता हूँ। जितिन जी सर, भगवान से क्या मांगा? चलिए हो गया भाई, क्या मांगा ये बता दीजिए बस। देखिए ये जितिन प्रसाद हैं, जाहिर सी बात है कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, उसकी वजह भी है कि देखिए चुनाव प्रचार बंद हो गया है और धर्म और जाति या फिर इस तरह की जो बातें होती हैं उसको करके चुनाव आयोग की एक्सक्लूसिव आपसे बातचीत की है अरुण और जितिन प्रसाद ने, सारी की सारी बातों को न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के सामने रखा है। 102 सीटें 2024 लोकसभा का पहला चरण और हम पूरी तैयारी के साथ आपके सामने चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं, पल पल की जानकारी, पल पल की ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगा, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। का बहुत बहुत स्वागत है, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में होने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा चुनाव। अब से कुछ देर बाद 18वीं लोकसभा के लिए पहले फेज का मतदान शुरू होने जा रहा है। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा।
और न्यूज 18 इंडिया को रिपोर्टर्स जो हैं एक एक लोकसभा क्षेत्र में तैनात हैं, जो आपको मतगणना की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और जरा याद रखिए, न्यूज 18 जो देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, 4 जून को न्यूज 18 इंडिया सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे भी आप तक पहुंचाएगा। आज करीब 16 करोड़ मतदाता 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ऐसे में बड़ी बात यह है कि 1625 उम्मीदवारों में 134 महिला उम्मीदवार मैदान में है। 11 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, जबकि 102 लोकसभा सीटों में आज 5 पूर्व मुख्यमंत्री यानी 5 पूर्व सीएम भी चुनावी दंगल में लड़ रहे हैं। आज जिन 102 सीटों पर मतदान होने जा रहा है उसमें आपको ये बता दूं, जो 73 है वो तो सामान्य सीटें हैं, 11 एससी सीटें हैं, 18 एससी सीटें हैं, कुल 1,87,000 पोलिंग बूथ है। और पीछे जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये बड़ा सा स्क्रीन का मुजाहरा आप देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम हमारे रिपोर्टर्स और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। पोलिंग बूथ पर जो तैनात तमाम रिपोर्टर्स हैं वो वीआईपी को भी कैप्चर करेंगे और वोटर्स के मन में क्या छुपा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इन वोटिंग के लिए 18 लाख पोलिंग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव में लगे अधिकारियों, सुरक्षा बलों के जवान और ईवीएम को ले जाने के लिए 84 स्पेशल ट्रेनें और 1,00,000 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज पहले फेज में 8.4 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, 8.23 करोड़ महिला मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जबकि 11,371 थर्ड जेंडर मतदाता भी आज वोट डालने वाले हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि आज 35,67,000 फर्स्ट टाइम वोटर यानी जो पहली दफा अपना वोट डालेंगे, आज 3.51 लाख ऐसे युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र 20 से 29 साल के बीच है, तो ये बहुत खास रहने वाला। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बड़ा पैनल हमने आपके लिए चुना है और बहुत सोच समझ के चुना है, उनके नाम को आपके सामने रखूं। उससे पहले ये पीछे देखिए आप, तादाद में जो रिपोर्टर्स आपको नजर आ रहे हैं और ये वो रिपोर्टर्स हैं जो हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, चाहे वो अरुण सिंह पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हो, चाहे वो मानव हो मुजफ्फरनगर से, चाहे वो जावेद मंसूरी हो सहारनपुर से, चाहे वो रवि सिंह हो गढ़वाल उत्तराखंड से, चाहे मनोज शर्मा हो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, चाहे विवेक गुप्ता हो हमारे नागपुर महाराष्ट्र से, आपको सब इस वक्त नजर आ रहे हैं। चाहे भवानी सिंह हो मारा राजस्थान जयपुर से, कोमल सिंह उधमपुर से अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, चंद्रमोहन भी गया से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ये सारे रिपोर्टर्स। और फिर ये दो आप जो स्क्रीन यहाँ पर देख रहे हैं इन पर भी पैनी नजर हमारी बने रहने वाली है। पंकज आपको बताएंगे क्या वजह है कि ये दो स्क्रीन बड़ी स्पेशल हो जाती है। बिल्कुल, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम एकदम से जाएंगे उस स्क्रीन पर और आपको दिखाएंगे क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, क्योंकि आज पहले चरण का मतदान है, 102 सीटों पर यह मतदान होने जा रहा है और देश के अलग अलग राज्यों में कुछ जगह, तो जैसे तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो जरा तमिलनाडु का जिक्र कर दे रूबिका, जहां पूरी की पूरी 39 सीट पर आज मतदान होना है पहले चरण में। एक ही फेज में आज तमिलनाडु में चुनाव हो जाएगा, वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की सभी 5 सीट, अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4। ये देखिए अब आपको मैप के जरिए हम दिखाते हैं मैं कहां कहां का जिक्र कर रही हूं, एक बार फिर से आप नजर डाल लीजिए। अगर नीचे से शुरुआत करेंगे यानी तमिलनाडु से, तो एक ही फेज में 39 सीटों पर यहां पर आज चुनाव हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। जैसे जैसे पिटारा खुलता जाएगा राज्यों का, वैसे वैसे सीटें भी आपको इस मैप के जरिए जानने को मिल जाएगी। बिल्कुल, तो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश की है कि आज कहां कहां, अगर पूरे देश की हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश की जैसे बात करें नॉर्थ ईस्ट की तो 2 सीटें, बिहार की 4, असम की 4, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान होना है, तो वहीं महाराष्ट्र की 5 सीटों पर, जबकि पश्चिम बंगाल, सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर भी रह रहे हैं इस बार के चुनाव में, ममता दीदी का गढ़ है, वहां 3 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा, जबकि नॉर्थ ईस्ट की एक और राज्य है मणिपुर, जहां 2 सीटों पर, मेघालय में 2 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 सीट, मिजोरम की 1 सीट, त्रिपुरा की 1, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की भी 1-1 सीट पर मतदान होना है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का पहला चरण कितना इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं डिसाइडिंग होता है पहला चरण भी, क्योंकि उससे तय हो जाता है कि आगे का चुनाव किस तरह का होने वाला है। रूबिका, मतलब ये कहते हैं ना, आगाज जैसा होगा अंजाम अंजाम क्या वैसा ही होगा। तो आज किन बड़े चेहरों की किस्मत तय होनी है ये भी जरा जान लेते हैं। नागपुर लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगा, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।
सबसे बड़ी इलेक्शन कवरेज, सबसे बड़ा दंगल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार जारी है। मेरी मौजूदगी पश्चिम यूपी की सबसे हॉट सीट कैराना पर है और कैराना में चुनाव लड़ रही हैं सपा उम्मीदवार इकरा हसन और उनके सामने मौजूदा बीजेपी के सांसद प्रदीप चौधरी। देखिए जहां मैं खड़ा हूं यहां पर वो मतदाता, वो हिस्सेदार लोकतंत्र का यहां पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, जो आज अपने उम्मीदवारों का, अपने सांसदों का फैसला करेगा। आपको बता दें कि कैराना बहुत बड़ी सीट इसलिए है क्योंकि हसन परिवार की तीसरी पीढ़ी इस वक्त चुनाव मैदान में है और ये जो पोलिंग सेंटर है जैन धर्मशाला, यहीं पर ही इकरा हसन और उनके विधायक जो उनके भाई हैं नाहिद हसन वोट डालेंगे। देखिए कुछ फर्स्ट टाइम वोटर हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पुर के बारे में रूबिका बताएं क्योंकि हैवी वेट वहां से चुनावी मैदान में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। नितिन गडकरी वहां से लगातार सांसद बने हैं, हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और कहा जा रहा है कि आरएसएस की बकायदा 36 संगठन उनके लिए यहां पर काम कर रहे हैं। उधमपुर की बात करें, अगर हम जम्मू कश्मीर के उधमपुर की बात करें तो जितेंद्र सिंह दो बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत ही कम बोलने वाले हैं, सटीक बात करते हैं, वो किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन इस बार उनका मुकाबला कड़ा होने वाला है। लाल सिंह दो बार सांसद वो भी रह चुके हैं, वो उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो ये उधमपुर सीट की हम बात कर रहे थे रूबी। हाँ, और किरण रिजिजू की भी तस्वीर आप लगातार देख रहे होंगे, चौथी बार वो अरुणाचल पश्चिम जो है वहां उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और असम के पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री जो है वो सर्बानंद सोनोवाल वो भी आपको नजर आ रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ से वो लोकसभा में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। ये वो तमाम इंपॉर्टेंट चेहरे हैं और आज सबसे ज्यादा अगर किसी पर नजर रहने वाली है तो वही ये सारे चेहरे हैं। अरुण से क्यों ना शुरुआत कर दी जाए। पीलीभीत में इस बार 96 से लगातार जो गांधी परिवार के, चाहे वो मेनका गांधी हो या उनके पुत्र हो, जीतते आए थे, आज इस बार मामला पलट गया है। जितिन प्रसाद को मौका दिया गया है जो कांग्रेस का कभी हिस्सा हुआ करते थे। अरुण, पीलीभीत वो इलाका है जो तराई का इलाका कहा जाता है और ये इलाका जो है ये लगभग उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर पर है, इसके बाद उत्तराखंड और नेपाल से सीमा लगती है। लेकिन मशहूर किस लिए है पीलीभीत? मशहूर इसलिए है कि गन्ने की मिठास और बांसुरी की तान, यहाँ पे बांसुरी बनाई जाती है और गन्ने की मिठास, पूरा तराई इलाका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वो मिठास आएगी? क्योंकि जो मेनका गांधी यहाँ से लगातार लड़ती रही हैं, छह बार वो सांसद रही, दो बार जनता दल से, दो बार निर्दलीय और दो बार भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि इस बीच दो बार उनके बेटे वरुण गांधी भी यहाँ सांसद रहे। तो एक तरह से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ से सुनिश्चित होती रही है। लेकिन इस बार चूंकि वरुण गांधी का टिकट कटा है, मेनका गांधी और वरुण गांधी यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या जितिन प्रसाद जो बगल के जिले के हैं, शाहजहांपुर के, यहाँ आकर के वो जीत दर्ज कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और वो इसके लिए मेहनत कर भी रहे। लेकिन इस बार तस्वीरें अगर दिखाऊं आपको, यहाँ पर 5 पोलिंग बूथ हैं और इन सारे बूथों में देखिए मॉक पोलिंग की जो है वो व्यवस्था यहाँ पर संपूर्ण कर ली गई है, उसको चेक कर लिया गया है, क्योंकि 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक पोलिंग होनी है। हाँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तैयारी पूरी मुकम्मल है। यहाँ पर अंदर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, एजेंट्स जो हैं वो भी आ गए हैं, मॉक पोलिंग जो है वो हो गई है, अधिकारी जो हैं वो अपनी अपनी जगहों पर तैनात हो गए हैं। इंतजार मतदाताओं का है, लोकतंत्र का जो महापर्व है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। जल्दी जल्दी हम और रिपोर्टर्स के बात चाहते हैं रूबिका, जरा मैं रुक करना चाहूंगा विवेक गुप्ता का। विवेक देखिए, नितिन गडकरी का हमने जिक्र किया और सड़कों का जो जाल बिछाया है।